संसद में बुधवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को घेरा। इसी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि स्मृति ईरानी को गांधी परिवार और राहुल गांधी फोबिया हो गया है। स्मृति ईरानी ने सदन में छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के विरोध के बावजूद अदानी को कोल ब्लॉक देने को लेकर कटाक्ष किया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अदानी या अन्य पावर प्लांटों को कोल ब्लॉक के लिए कोई जमीन नहीं दी। कोल ब्लॉक केंद्र सरकार आवंटित करती है। वो असल में क्या है, उसको फोबिया हो गया है गांधी परिवार का, स्मृति ईरानी जी को। ये जमीन आबंटन, कोयला खदान आबंटन किसको किया राजस्थान दौर में, किसने किया? भारत सरकार ने, किस राज्य सरकार ने किया है? या महाराष्ट्र गवर्नमेंट को है, राजस्थान गवर्नमेंट को है, मध्य प्रदेश को है, गुजरात को था, आंध्र प्रदेश को था, सारे राज्यों को आवंटित करने का काम तो भारत सरकार करती है। तो उसमें ये मिथ्या आरोप, मतलब कुछ भी आरोप लगाएंगे बिना जाने समझे। और हम लोगों ने कोई जमीन नहीं दी, जितने भी मेजर मिनरल है वो भारत सरकार के अधीन है। पहले तो सलाह ली भी जाती थी, अब नया जो MMDR एक्ट आया है उसके बाद सलाह लेने की भी ज़रूरत नहीं। तो हम लोगों ने, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने लेमरू को 400 वर्ग किलोमीटर था, भारत सरकार से अनुमति मिली थी, उसको भी नोटिफाई नहीं किया था। हम लोग 1995 वर्ग किलोमीटर को न केवल उसका क्षेत्रफल बढ़ाया बल्कि उसको नोटिफाई भी किए हैं, और भारत सरकार फिर भी वहाँ खदान के लिए लिस्टिंग किया था, उसका हम लोगों ने विरोध किया। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी एफिडेविट हम लोगों ने दिया है कि ये जो लेबरू के अंदर में जो खदाने आ रहे हैं उसे आवंटित ना की जाए, यहाँ बायोडाइवर्सिटी के लिए उपयुक्त नहीं है, ये बात हम लोगों ने कहा। और ये लिखित में है, एफिडेविट है, कोर्ट में दिया गया है। अब उसके बाद स्मृति ईरानी जी झूठ बोल रही हैं तो क्या करें? जैसे प्रधानमंत्री जी झूठ बोले, 80% धान खरीदी हम लोग करते हैं, अरे भैया राज्य सरकार करती है यार, 22,000 करोड़ रुपये हम लोगों ने दिया है, और उसके बाद चावल हमसे खरीदती है, और चावल ना खरीदे तब हम नीलामी किए थे धान का, घाटा हम सहते हैं, वो कहाँ से हो गया? तो प्रधानमंत्री भी यहाँ आके झूठ बोल के गए हैं, वैसे रक्षा मंत्री, वैसे गृह मंत्री, अब स्मृति ईरानी जी झूठ बोली तो नया बात क्या है।